नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलती हूँ, आज मैं एक अच्छी सी नई रेसिपी बनाएंगे दोस्तों, खाऊंगी। नमस्ते कर दो। तो चल रही हूँ मैं अरबी की पत्ती का और सूजी का और बेसन का, तो मैं बनाती हूँ अप्पे और आप सबको बना के दिखाएंगे। तो लास्ट तक पूरा वीडियो जरूर देखना प्लीज। तो दोस्तों, ये लहसुन और मिर्चा और जीरा है, तो मैं इसको पीस लेती हूँ सिलबट्टे से। तो ये देखिए कुछ इस तरह पीस रहे हैं। तो इसको एक बार और पीस लेते हैं। तो ये जीरा है दोस्तों, जो पीसने में थोड़ा ये जल्दी से सिलबट्टे से कटता नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ मैं सिलबट्टे से पीस चुकी हूँ, तो इसको सिलबट्टे से निकाल लेती हूँ मसाले को। तो दोस्तों, इसमें 50 ग्राम के बराबर सूजी डालेंगे और इसमें थोड़ा सा बेसन डालेंगे सूजी के। तो ये देखिए दोस्तों, ये अरबी का पत्ता है और ये सूजी है और ये बेसन है। तो अब इसमें जो नमक, ये नमक नहीं पीसी थी दोस्तों, इसमें जीरा, हरा मिर्चा और लहसुन, तो इसको डाल देते हैं। और अदरक हमारे पास नहीं था, तो अदरक मैं नहीं डाली हूँ। तो पहले मैं सभी सामग्री को मिक्स कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में नमक डालेंगे दोस्तों। तो अरबी का पत्ता, सूजी सभी मिक्स कर दिए हैं। तो यहाँ बेसन सूजी के हिसाब से नमक डाल देती हूँ और मिला देती हूँ अच्छी तरह से। तो एक चुटकी भर बेकिंग सोडा डाल देते हैं। तो अब इसमें पानी मिलाकर अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मिक्स कर चुके हैं। तो थोड़ा सा इसमें मिक्स मसाला डाल देते हैं और मिला देते हैं पानी। तो इसको ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला बनाना है दोस्तों। तो मैं इसको अप्पे की ही तरह बनाऊंगी। तो ये देखिए दोस्तों, मैं ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला पेस्ट बना के तैयार कर दी हूँ। अब चलती हूँ बनाती हूँ। तो दोस्तों, चल रहे हैं बनाना शुरू करते हैं। और ये हमने पेस्ट को तैयार कर ली हूँ। मम्मी पकौड़ी बना रही है। हाँ, तो अंजलि पहले बता रही है, तो ये पकौड़ी ही समझिए। और तो थोड़ा थोड़ा मैं डाल देती हूँ इसमें। नदीक लाओ चंदन। तो ये देखिए दोस्तों, मैं सभी पेस्ट को सभी ये कटोरी में डाल देती हूँ दोस्तों। हमें इसका नाम नहीं पता है, क्या बोलते हैं इसको। तो ये कटोरी नुमा बना हुआ है, अब इसका मैं नाम नहीं जानती दोस्तों। तो ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डाल दी हूँ और शायद ये फैल गया इस पर। तो दोस्तों, इसको मैं ढक देती हूँ 5 मिनट के लिए। तो दोस्तों, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये बन चुका है। तो इसको पलट लेते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए मैं पलट दी हूँ और ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, ये अरबी की पत्ती का अप्पे बनाई हूँ मैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं पलट दी हूँ, अब इसको ढक देते हैं। दोस्तों, यहाँ टमाटर भून रहे हैं चंदन के पापा चटनी के लिए। तो एक ये टमाटर भूनेंगे, एक ये, तो लहसुन मिर्चा का ये चटनी बनेगा और टमाटर का। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो
तो टमाटर एक भून चुका चुके हैं और एक टमाटर बाकी है भूनने को, और इधर हमारा अप्पे भी हो चुका है। तो दोस्तों अरबी के पत्ते का सूजी का अप्पे बन गया है, तो अब इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह बना हुआ है। तो जो नहीं थोड़ा बाकी है सिकने का उसको फिर से मैं डाल दी, और जो सिक चुका है इसको निकाल ली हूँ। तो ये वाला, तो दोस्तों इसी तरह सभी अप्पे को निकाल लेते हैं और दूसरा घान को बनाते हैं। तो दोस्तों एक घान अप्पे मैं बना चुकी हूँ, अब दूसरा घान को बनाना शुरू करते हैं। तो ये दूसरा घान को भी बना लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब इसमें चिमची के सहायते से डाल देते हैं। तो इसी तरह पूरे उसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों सभी अप्पे को डाल दी हूँ, अब इसको ढक देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये टमाटर है और ये लहसुन है, हरा मिर्चा है। तो दोस्तों इसकी चटनी बना लेते हैं। सिलबट्टे से चलती हूँ, पीस लाती हूँ, तब तक ये अप्पे हो पक रहा है तो चंदन के पापा देखेंगे। इसको पलट देते हैं, और थोड़ा ये पलटते नहीं बनता है तो इस साइड भी पलट देते हैं। और तो सभी अप्पे को पलट दिए हैं, फिर इसको हम ढक देते हैं 2 मिनट के लिए, इस साइड भी पका लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सिलबट्टे से मैं चटनी को पीस लाई हूँ, और थोड़ा इसमें नमक मिला देते हैं। तो नमक मैं सिलबट्टे पे नहीं ले गई थी पीसने दोस्तों, वो पीसा खुद रहता है तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, और जब पीस हुआ होता है चटनी उसके बाद डालने से नमक उतना ज्यादा नहीं होता। दोस्तों ये पक चुका है, अब इसको निकाल लेते हैं। तो कुछ इस तरह बना हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, ये अप्पे बनके तैयार हो गया है, अरबी के पत्ते और सूजी का, और ये चटनी साथ में। तो चल रहे हैं, सभी लोग खाते हैं, लोग खाने जा रहे हैं। हाय मरी, पकौड़ी बनाई से, पकौड़ी बनाई से दोस्तों, अपने भाषा में अंजलि बोल रही है, आज मेरी मम्मी पकौड़ी बनाई से यही कहने जा रही थी। तो ये गुंजन ले ली है, चंदन के पापा को दे देते हैं। ये देखिए अप्पे को, तो वैसे आप पकौड़ी भी कह सकते हैं दोस्तों, कोई ये माने नहीं, लेकिन ये वाला एक दिन मैं बनाई और फिर इसको सभी लोग खाए, बहुत अच्छा लगा, तभी मैं दिखाई हूँ, नहीं तो ऐसा नहीं दिखाती दोस्तों, जो चीज अच्छा ना लगे खाने में। तो चंदन तो वहां से देख रहे हैं, तो शीतल नहीं पाई तो शीतल को दे देते हैं। ये देखिए शीतल खाने जा रही है, अंजलि पहले ले ली है और चंदन का खा लीजिए। हाँ, तो इस साइड चंदन का, और जो जिनको कम पड़ेगा वो ले लेंगे, गुंजन शीतल अंजलि, तो हम सब खा रहे हैं, आप सब भी आकर खा लीजिए। तो कैसा बना है सभी लोग बताओ? अच्छा बना है, अच्छा बना है, अच्छा बना है। तो हम सब खा लेते हैं, फिर उसके बाद में आप सबसे मिलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए अप्पे कुछ इस तरह बना हुआ था, ये देखिए बहुत अच्छा बना हुआ था ये। तो दोस्तों ये रेसिपी आप सबको कैसा लगा, अरबी के पत्ते का अप्पे, और कमेंट करके जरूर बताना। अंजलि, तो सभी को खाकर कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा। हाँ, तो अच्छा लगा, गुंजन को अच्छा लगा, शीतल को भी अच्छा लगा। और दोस्तों सबसे खुशी की बात यह है कि गुंजन, चंदन, शीतल और अंजलि भी जाती है साथ में, ट्यूशन जाने लगी है पढ़ने, ये सब। तो अब की महीने में मैं लगवा दी हूँ, और अब तक हमारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं था तो नहीं भेजती थी पढ़ने के लिए, और यही सब बात था दोस्तों। तो अब इस समय थोड़ा मैं इनके पढ़ाई पे बीच में ध्यान देना जरूरी है।
और वैसे आप सब भी बोलते हैं दोस्तों कि इन सबको पढ़ाया करो, संगीता ट्यूशन भेजा करो, तो सही बात है। तो अब ये सब जाने लगे हैं ट्यूशन, है ना? अंजलि तू जाती है? ये जाती है। मैं अंजलि से गांव के ही भाषा में बात कर रही हूँ। तो दोस्तों आप सबको ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हाय टाटा।